दांतों की हर बीमारी के लिए मेरठ का आधुनिकतम और उच्च तकनीक वाला क्लिनिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। आनंद डेंटल क्लिनिक A46 साकेत मूर्ति हॉस्पिटल चौराहा मेरठ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 जून को जो हुआ वह निश्चित रूप से झकझोर देने वाला है। जिस औलाद को 9 माह तक पेट में रखा, लालन पालन किया, उसने ही माँ को गोली मारकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। महज इस बात के लिए कि माँ उसे अक्सर रोका टोका करती थी, उस पर शक करती थी। वह आज़ादी चाहता था, आज़ादी इस बात की कि वह जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सके। पबजी व दूसरे मोबाइल गेम में वह जब तक व्यस्त रहना चाहे रह सके। उसके निजी जिंदगी में कोई रोक टोक न हो और ज़रूरत पड़ने पर तिजोरी खुले मिले। बच्चे की बेहतरी के लिए रोकना टोकना ही इस माँ साधना के लिए जानलेवा साबित हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उससे पूछा, क्या उसे माँ को मार डालने का अफसोस है? तो उसने जो जवाब दिया वह निश्चित रूप से कठोर कलेजे वाले को भी भीतर तक हिला देने के लिए काफ़ी है। उसने कहा, नहीं। इससे पहले वह हत्या कर रविवार को अपने दोस्तों संग क्रिकेट भी खेल आया था, रात को घर में सोया भी, और माँ का चरित्र हनन भी यह कहते हुए कर दिया था कि एक बिजली वाला अक्सर उसके घर आता जाता था। यहाँ बात हो रही है लखनऊ के PGI पुलिस स्टेशन अंतर्गत वृंदावन कॉलोनी की। यहाँ साधना अपने 16 वर्षीय बेटे व 10 वर्षीय बेटी के संग रहती थी। पति भारतीय सेना में JCO हैं। उनकी तैनाती आसनसोल में है। दरअसल 7 जून को पुलिस स्टेशन पर फोन आया कि वृंदावन कॉलोनी में किसी महिला का शव घर में पड़ा हुआ है और किसी बिजली वाले ने उसकी हत्या कर दी है। फोन करने वाले ने खुद को साधना का भाई बताया था। पुलिस पहुंची तो यह तय हो गया कि हत्या उस रोज़ नहीं बल्कि 3-4 दिन पहले की है। यह अंदाज़ा शव से आने वाली दुर्गंध को देखते हुए लगाया गया। लड़के ने बताया कि सोमवार को बिजली वाले अंकल घर आए थे, दोनों में झगड़ा हुआ था। इस झगड़े में ही अंकल ने मम्मी को मार डाला। आसपास पूछताछ में पता चला कि बिजली वाला घर नहीं आया था। छोटी बेटी को विश्वास में लेकर जब पूछताछ की गई तो पुलिस हैरत में पड़ गई। दरअसल हत्या बेटे ने की थी। इससे पहले बेटे ने पड़ोसियों को बताया था कि मम्मी चाचा के घर गई हुई हैं क्योंकि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। पूछताछ हुई तो बेटे ने बताया कि उसे माँ का टोकना, पढ़ने के लिए कहना, मोबाइल से दूर रहने की हिदायत देना किसी हद और बंदिश की तरह लगता था, जबकि वो आज़ादी चाहता था। अब तो उसके बोर्ड का भी इम्तहान था, लेकिन बेटा पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल में ही उलझा रहता था। बस इससे परेशान होकर ही उसने सोते हुए अपनी माँ का कत्ल कर दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।